हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस असिस्ट। माई सेल्फ डॉक्टर लोकेंद्र सिंह। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल का नीट 2024 का गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। ओके, तो हम पिछले 2-3 साल का एनालिसिस करके कट ऑफ बनाएं जो कि मोस्ट एक्यूरेट कट ऑफ है इस बार आपका रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनरल कैटेगरी, देन ओबीसी, देन ईडब्ल्यूएस, देन एससी, देन एसटी। ओके, तो इस बार जो जनरल कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो आपका 625 मार्क्स एंड 52,500 रैंक। ओके, वहीं आपका ओबीसी का 622 मार्क्स एंड 55,000 रैंक। वहीं आपका ईडब्ल्यूएस का 602 मार्क्स एंड 79,000 रैंक। एससी कैटेगरी का 530 एंड रैंक इज 1,70,000। वहीं एसटी की बात करें तो 325 मार्क्स एंड रैंक इज 5,50,000। ओके, तो 5.5 लाख रैंक तक भी आपको एसटी कैटेगरी में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इस बार वेस्ट बंगाल के लिए सेफ स्कोर है। ओके, दिस इज़ द सेफ स्कोर फॉर वेस्ट बंगाल नीट यूजी। ओके, तो अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको इस बार कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट सीट। ओके, तो इसी के साथ, आप हमसे पेड काउंसलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो हमारे इन 2 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज 7851078249 एंड नंबर 2 इज 6399241004। ये डॉक्टर पंकज यादव हैं और ये मेरा नंबर है डॉक्टर लोकेंद्र सिंह। तो आप इन दोनों नंबर पर कांटेक्ट करके पेड काउंसलिंग की सर्विस अपने लिए अवेल करवा सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग इस बार बहुत क्रूशियल स्टेप है। ओके, इस बार की काउंसलिंग एकदम से अनएक्सपेक्टेड रहेगी अब तक के नीट के इतिहास में, तो इसलिए बिल्कुल भी गलती ना करें और आप अच्छे से काउंसलिंग करवाएं किसी से भी। ठीक है, एमबीबीएस असिस्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।